हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। जिन बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं और उनकी एज 19 के अबव हो चुकी है और वो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो सीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। सीडीएस मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यह एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है और साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम पड़ता है। ये ट्रेनिंग उन कैंडिडेट के लिए है जो रिटायर्ड होने तक काम करना चाहते हैं। अब ये जो इंडियन मिलिट्री है उन कैंडिडेट के लिए है जो अगले 10 साल तक मिलिट्री में काम करना चाहते हैं और 10 साल काम करने के बाद भी चाहते हैं कि उनका पीरियड एक्सटेंड हो जाए तो सीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जाने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ता है। एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, दूसरा आपका SSB इंटरव्यू होता है और उसके बाद हेल्थ चेकअप होता है। बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि आप अनमैरिड हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया पे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के नाम से इसे जानते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और एज जो है वो 19 से 24, मिनिमम एज 19 और मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो मिनिमम एज 19 से 23 ईयर्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए। नोबल एकेडमी की बात करें तो 19 एज से 22 ईयर्स होने चाहिए और जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियर होना चाहिए। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नोबल एकेडमी, इन तीनों के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है इंग्लिश, दूसरा होता है जनरल नॉलेज, तीसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। CA का जो पेपर होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का, उसमें सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर तो सभी का सेम मिलता है लेकिन सिलेक्शन प्रिफरेंस और परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। तीनों के विंग में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो होता है वो नेवी का जाता है, दूसरे नंबर पे एयरफोर्स का और सबसे कम आर्मी का जाता है। इसका मतलब अगर आपने नेवी के सामने एक लिखा था और नेवी का कट ऑफ नहीं निकाल पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं CDS की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जनरल नॉलेज 2 तरह से होता है, एक डायनेमिक, दूसरा स्टैटिक्स। अगर आप पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर की हेडिंग भी पढ़ रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद अवार्ड हुआ और अपॉइंटमेंट हुए, ये खास तौर से ध्यान देने वाला है। ये CDS इसलिए आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं वे डिफेंस से रिलेटेड होते हैं। DRDO की जितनी भी ब्रांचेज हैं आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया और इंटरनेशनल अफेयर्स की सारी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। आपको इंडियन डिफेंस सिस्टम की जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए, कितनी एजेंसी हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, वे क्या काम करती हैं और हम कितने देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको बाकी सभी चीज़ों को भी पढ़नी चाहिए पर इन चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए। इसलिए जनरल साइंस आपको पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, वो बुक है परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंग्लिश जो कि BK सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश इज इजी पढ़ना चाहिए जो कि चेतना सिंह के द्वारा लिखी गई है। वोकैबुलरी के लिए पढ़िए पुस्तक महल के द्वारा प्रकाशित की गई रैपिडेक्स इंडीच योर वर्ड पावर। मैथमेटिक्स के लिए CDS मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो RS अग्रवाल की बुक से पढ़िए। मैथमेटिक्स के आप एक एक क्वेश्चंस लगा लीजिए क्योंकि इस बुक के अलावा बाहर से कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएगा। प्रैक्टिस के लिए पाथ फाइंडर की बुक लीजिए और उसे प्रैक्टिस करिए। आप पढ़ाई कम कीजिए पर प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो प्रैक्टिस आप इस तरह से करिए जैसे कि आप एग्ज़ाम टाइम में करते हैं। आप एक पेपर लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस करिए, फिर ब्रेक लीजिए और उतना ही ब्रेक लीजिए जितना आपको एग्ज़ाम टाइम में मिलता है और फिर नेक्स्ट की तैयारी कीजिए। सारे पेपर की प्रैक्टिस करने के बाद उसके आंसर को चेक करिए। अगर आप सोच रहे हैं CDS की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले आप हेल्थ चेकअप करवाइए। SSP इंटरव्यू पास करने के बाद भी 30% स्टूडेंट मेडिकल पास नहीं कर पाते हैं। आपको
ईयर, आईज, नोज और थ्रोट का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखिए कि शरीर के अंदर कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसको करेक्ट करने के लिए मेडिकल बोर्ड आपको 42 दिन का समय देता है। जैसे वेट ज़्यादा है या कम है तो आपको 42 दिन का समय देगा कि आप अपनी वजन एक्यूरेट कर लें। अगर आपको कुछ इस तरह से परेशानी है जैसे आपकी हाइट कम है और कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको CDS की तैयारी करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से ही अपनी बॉडी को फिट कर लेना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशनल लेवल बढ़े और हम नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहें।